हेलो दोस्तों, आज हम टोस्ट सैंडविच बनाना सीखेंगे। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पतीला ले लेंगे। इसमें मैंने आलू उबाल के डाल लिए हैं। एक चौथाई टीस्पून हींग डालेंगे। एक चौथाई टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देनी है। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अदरक लहसुन और मिर्ची की पेस्ट डाल देनी है एक टेबलस्पून, और 1/4 कप कटा हुआ धनिया डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारा स्टफिंग बनके तैयार है दोस्तों। ब्रेड ले ली है, इसके साइड्स कट कर लिए हैं, बटर लगा लिया है उसके ऊपर। अब चटनी लगा लेनी है। चटनी कैसे बनानी है उसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वो आप चेक कर लीजिएगा। चटनी को अच्छे से फैला लेना है। और हमने जो स्टफिंग बना के तैयार की थी, अब मैं उसके ऊपर रख दूंगी। हाथों की मदद से इसे अच्छे से फैला लेंगे। अब ये घर का चाट मसाला बनाया है। चाट मसाला घर पे कैसे बनाते हैं अगर आपको सीखना है तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उसकी भी रेसिपी जल्द ही शेयर करूँगी। टमाटर इसके ऊपर रख देने हैं। फिर से थोड़ा चाट मसाला छिड़क देंगे। फिर प्याज रखने हैं। फिर से थोड़ा चाट मसाला छिड़क देंगे। अब हैंड टोस्टर की मदद से इसे हम अच्छे से टोस्ट कर लेंगे। चक्कू की मदद से इसे काट लीजिएगा। और हमारी टोस्ट सैंडविच बनके तैयार है। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगाया है। अब थोड़ी चटनी लगा रही हूँ। सॉस डाल देना है और एंड में सेव डाल के सजा लेंगे। हमारी बम्बैया स्टाइल टोस्ट सैंडविच बनके तैयार है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं या इसके ऊपर चीज़ डाल के भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।